नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNKS महाविद्यालय दौसा। आज मैं कल जो बताया था उसके जो अति लघुतरात्मक जो प्रश्न बनते हैं संविधान के संदर्भ में, उनके बारे में आपसे मैं बता रहा हूँ। तो एक छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, मैं BA पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट। अमेरिकी संविधान के निर्माण के लिए किस स्थान पर सम्मेलन बुलाया गया था? तो इसका उत्तर होगा फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भाग लेने वाले दो प्रमुख व्यक्तियों के नाम बताइए। तो हैमिल्टन और मेडिसन। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 1789 में बनकर तैयार हुआ, प्रवर्तन में आया। अमेरिका में संविधान निर्मातृ सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आएगा जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका में किस मुद्दे पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई? 1861-65 के वर्षों में दासता के अंत के प्रसंग को लेकर खड़ी हुई थी। 7वां क्वेश्चन, किस फ्रेंच दार्शनिक ने अमेरिकी संविधान निर्माताओं को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो इसका आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। मूल अधिकारों की व्यवस्था को कब और किस प्रकार अपनाया गया था? 1791 में प्रथम 10 वैधानिक संशोधनों के आधार पर अपनाया गया था। तो ये कल जो आपको मैंने बताया था उसके बारे में छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो बने उनको मैंने वो समझाया। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो है अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, किस देश में है, उसके बारे में बताऊंगा। अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं जितना कि नियंत्रण तथा संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया। शक्ति विभाजन सिद्धांत, आग और रे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ, सरकार के 3 अंग होते हैं, इन 3 अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, ये समस्या राजनीति विज्ञान में अत्यंत विवादाग्रस्त रही है और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनमें से मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सबसे प्रमुख है। जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी अधिक उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। 3 अंगों को व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थाएं, शासन के 3 अंगों को सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया हैं। शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान, सरकार के विभिन्न अंगों को अलग अलग कार्यकाल की निश्चितता, शासन अंगों की सदस्यों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में भिन्नता, ये उसके कारण थे। आलोचनाएं, कोई न कोई शासनंग अधिक प्रभावशाली, 2 नेतृत्व की कमी और 3 है सहयोग तथा समन्वय की कमी। 1943 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के नेतृत्व में विद्रोह उपस्थित किया गया था। तो ये नियंत्रण और शक्ति पृथक्करण का था। अब हम नियंत्रण और संतुलन की बात करते हैं, जिसको हम अवरोध और संतुलन कह सकते हैं। तो शासन के विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन ऊपर से एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं परंतु विरोधी हैं नहीं। बॉयल, डीसी बॉयल का नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सोच समझ कर की गई है।
जिससे शासन की कोई शाखा पागलपन न कर बैठे। अवरोधों के उदाहरण, कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण, विलंबकारी निलंबित पॉकेट विटो जैवी विशेषाधिकार। नंबर दो है राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण। तो इसमें है युद्ध की घोषणा को सेनेट द्वारा दो बटे तीन बहुमत पुष्ट की जानी आवश्यक है। न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण, कांग्रेस के दोनों सदनों का एक ही दूसरे पर नियंत्रण। और पांचवा है संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण। जॉन एडम्स कहते हैं आरंभ से अंत तक अमेरिकी संविधान में एक अंग दूसरे अंग पर प्रतिबंध रखता है। आग और रे, अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं जितना कि नियंत्रण और संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति विभाजन सिद्धांत है। उदाहरण वाटरगेट कांड, आलोचना एकता का अभाव, एक दूसरे पर उत्तरदायित्व डालने का प्रयत्न कर सकते हैं। नंबर दो है अनेक बार नियंत्रण और संतुलन के कारण राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अवरोध और संतुलन व्यवस्था का ह्रास, तो किन किन कारणों से अवरोध और संतुलन व्यवस्था का ह्रास होता है? नंबर एक प्रथाएं, सीनेटीय शिष्टता, सद्भाव और सौदेबाजी की मिलीजुली स्थिति। और नंबर दो है राजनीतिक दल और आखिरी में है राष्ट्रपति का नेतृत्व, जिसमें आप रेडियो टीवी प्रेस आदि हम कह सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया, अगली कक्षा में आपको मैं जो अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो बताऊंगा, समझाऊंगा और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि हमारा नया अध्याय हम प्रारंभ कर दे। तो आज की मुलाकात बस इतनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।